एपिसोड 83 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसी टोपी वाले बंदे को जो कि उस ब्लैक से मिस्ट्रियस बंदे से कह रहा होता है सच में। और फिर दिखाते हैं वो जो ब्लैक मिस्टर बंदा रहता है वो बोलता है अगर तुम मेरे इन्फॉर्मेशन पर सवाल उठाते हो तो तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो टोपी वाला बंदा बोलता है डेविल कहाँ है, और ये लोग डेविल के टीम लोड के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो ब्लैक मिस्टर बंदा कहता है मैं अभी तक ये नहीं जानता कि वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, लेकिन सबसे ताज़ा खबर ये है कि वो होली शहर से नॉर्थ की तरफ चला गया है। ये सुनने के बाद वो टोपी वाला बंदा कहता है अगर वो नॉर्थ की तरफ गया है तो इसका मतलब वो होली एंजल कैपिटल की तरफ जा रहा होगा। ये सुनने के बाद जो मिस्टीरियस बंदा रहता है ना ब्लैक साहब वो बोलता है ऐसा हो भी सकता है। और फिर उसका समय दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद इस कमरे में एक लेडी आती है जो कि उस ब्लैक से मिस्टीरियस बंदे को बॉस बोलती है। वो ब्लैक बंदा अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए बोलता है थोड़े आराम से। और फिर सुनने के बाद वो जो लेडी रहती है वो बोलती है लेकिन वो तो पहले ही चला गया है। फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो बॉस बंदा रहता है वो उसे बोलता है नंबर 3 लैंग्वेज का यूज़ करो, वो बंदे यस बोलती है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो टर्बिन की खुफिया टीम है ना वो 5 स्पेशल तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो भी उनकी टीम में रहते हैं ना उनको ये 5 लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्योंकि जो इनके ज़रूरी बात रहते हैं ना वो इन्हीं 5 लैंग्वेज में से किसी एक में यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो बंदी रहती है लेडी वो बोलती है लॉर्ड सान विशक के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है पर भगवान की कृपा से हमारा जो जाल था ना वो तैयार हो गया है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो ब्लैक मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है मुझे नॉलेज हुआ है कि जो डीमन लोड है ना वो माइकल किले में आ गया है। फिर उसको दिखाते हैं वो लेडी कहती है जब से मैंने एसडी को छोड़ा है तब से कोई खबर नहीं आई है कीता शहर और उत्तर चला गया है। ऐसा बोलते कीता शहर और नॉर्थ ने जो है ना किले से अपनी सेना को हटा लिया है, बहुत से लोग हैं लेकिन डेविल के आने की कोई खबर नहीं है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो ब्लैक मिस्टीरियस बंदा कहता है क्या आज पब में कुछ हो रहा है। वो लेडी बताती है अभी अभी एक अंकल ने कहा था कि ज्ञान ने उनकी बेटी को बचा लिया है जब सैनिकों ने पकड़ के ले गए थे। और फिर ये सुनने के बाद वो कहता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जो ब्लैक मिस्टीरियस बंदा है वो कहता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ये ठीक है बस अब यहाँ से चले जाओ। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो बंदी गई थी यस, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर अचानक से वो रुकती है और फिर बॉस और उस ब्लैक मिस्टीरियस बंदे से बोलती है वैसे आज पब में एक मेहमान आया है वो क्या कहते हैं वाइन सेलर है, उसके साथ एक आइस एल्फ भी है और वो क्या कहते हैं कैपिटल जा रहे हैं और वो सेठ बहुत ज़्यादा अमीर है उदार है वो क्या कहते हैं सभी ड्रैगन स्पार का यूज़ करता रहता है ये सुनने के बाद जो ब्लैक बंदर रहता है वो बोलता है हो ये तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात लग रही है। और फिर वो आगे बोलता है क्या वो आज रात होटल में ठहरे हुए हैं, वो बंदी उसे बताती है अब मौसम को देखते हुए उनमें से ज़्यादातर तो एक दुकान में ही रहेंगे लेकिन वो अभी बाहर के कमरे में शराब के बारे में जानकारी खरीद रहा है। ये सुनने के बाद वो ब्लेस्ट मिस्टीरियस बंदा कहता है ओ मैं देखता हूँ। और फिर दिखाते हैं वो उस बंदी से कहता है उस पर नज़र रखना। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड और लोडा उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं टोपी वाले बंदे को जो कि डीमन लॉर्ड से पूछता है बॉस आपने उनसे क्या पूछा था। डीमन लॉर्ड उसे बताता है बस वाइन बेचने के बारे में कुछ और मुझे नहीं पता उन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत। यहाँ पर दिखाते हैं डीमन लॉर्ड उस बंदे से कहता है ठीक है मेरे लिए एक रूम ओपन करो और ये जानकारी तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं डीमन लॉर्ड उसको वो पर्चा थमा देता है और फिर वो बंदा यस यस बोलता रह जाता है। फिर उसको हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड और लोटस किसी कमरे में आ जाते हैं। उस कमरे को देख के जो डीमन लॉर्ड है वो बोलता है कितना बड़ा कमरा है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बेड है। लोटस बोलती है ऐसा लगता है कि ये लास्ट रूम है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं लोटस आगे बोलती है लेकिन जब मैंने अभी कमरा बुक किया था तो और भी गेस्ट थे जो रुकना चाहते थे और स्टोन ने कहा था कि कोई कमरा खाली नहीं था लेकिन अब उन्होंने सच में हमें इतना बड़ा कमरा दे दिया है। ये सुनने एक बार जो डीमन लॉर्ड है वो कहता है ऐसा लगता है कि किसी ने इसे हमें दे दिया है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उनके रूम का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है और बोल रहा होता है रूम सर्विस। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं प्लस कहती है एक पर्सन बाहर है। डीमन लॉर्ड कहता है हमने रूम सर्विस वालों को कोई ऑर्डर ही नहीं दिया था। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है बट उससे पहले वो लॉर्ड से बोलता है पहले तुम गायब हो जाओ इनविजिबल हो जाओ। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं डीमन लॉर्ड दरवाज़ा ओपन करता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा रहता है जो उसे गुड इवनिंग कहता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे के नाम के बारे में, इस बंदे का नाम रियोडो है और ये मिस्टीरियस इंटेलिजेंट से कोई है। और मैं बता देता हूँ ये वही ब्लैक मिस्टीरियस बंदा है जिससे आप लोगों ने एपिसोड के स्टार्टिंग में दूसरों से बात करते हुए देखा था। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं डीमन लॉर्ड उस बंदे से कहता है एक्सक्यूज़ मी लगता है कि आपसे क्या कहते हैं रूम के बारे में मिस्टेक हो गई है मैंने कोई भी सर्विस को कॉल नहीं किया था। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो बंदा डीमन लॉर्ड से कहता है ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी शराब है और जो इसका एक्यूमपेशन प्राइस है वो एक ड्रैगन प्रोडक्ट की तरह काफ़ी हाई हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि आप इस जैसी चीज़ को मिस करना चाहेंगे। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना सेबेस्टियन।
और उस बंदे का सेबेस्टियन नाम लेते सही जो लोड़े से ना उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे दिखाते हैं जो डिमन लोड़े ना वो उसको पीछे से हाथ का इशारा करते हुए रोक देता है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड़े वो रियोडो से कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये सेबेस्टियन कौन है। फिर इसको दिखाया जाता है जो रियोडो है ना वो कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ पर कुर्सी रहती ना उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और डिमन लोड़े से कहता है आज स्टोर में कोई जगह खाली नहीं थी, सारे कमरे भरे हुए थे, तो क्या आप जानते हो कि ये किसका कमरा है। ये सुनने का डिमन लोड थोड़ा हैरान होता है, बोलता है क्या। और फिर जो रियोडो है वो बोलता है ये मेरा कमरा है। और फिर इसके बाद हमें दिखा दें जो डिमन लोड है वो उसे बोलता है क्या तो क्या तुम इस टर्वेंट के मालिक हो, ओनर हो। रियोडो कहता है आप एकदम सही कह रहे हो, तो घबराओ मत, बैठ जाओ, ड्रिंक करो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं डिमन लोड ग्लास को पढ़ के बोल रहा होता है कमरे में क्या सिर्फ इसी तरह के कप हैं और क्या आपको लगता है कि कोई बिना कप के पी लेगा। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं वो बंदा कहता है रियोडो ये सच में मेरी लापरवाही थी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियोडो रहता है ना वो डिमन लोड के कप में थोड़ी बियर डालता है और उसे बोलता है टेस्ट कम ऑन टेस्ट करो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो उसको सूंघता है और कहता है ओ इसमें से तो काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो रियोडो है वो डिमन लोड से बोलता है क्या हुआ तुम इससे पीते क्यों नहीं। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम्हें डर लगता है कि इसमें जहर हो सकता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियोडो है वो डिमन लोड से आगे बोलता है मैंने सुना था कि आपके साथ एक आइस एल्फ भी आई हुई है उसके बारे में क्या। फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो रियोडो से बोलता है वो तो एक गुलाम है तो वो मेरे साथ कैसे रह सकती है। यह सुनने के बाद रियोडो बोलता है अच्छा। और फिर वो आगे बोलता है अगर मैं सही हूँ तो वो अभी मेरे ठीक पीछे खड़ी हुई है और अपने नाइफ का यूज़ कर रही है मेरे पीठ पीछे। और फिर जो रियोडो है वो आगे बोलता है डीमन किंग आर्मी की 7th राउंड की लीडर शेडो एसेसेंस बेन। और ये लोग अब बेन लोटस को बेन कहने लगे हैं तो बेन बेन जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना लोटस के बारे में बात चल रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने एक बैकअप चैनल बनाया है तो कुछ नहीं करना आपको सिंपली उसे सब्सक्राइब करके रख लेना है। फिलहाल तो उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं आने वाली बट अगर फ्यूचर में बाय चांस इस चैनल के ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी मसला हो जाता है जिसकी वजह से इस वाले चैनल के ऊपर मैं वीडियोज़ ना डाल पाऊँ तो मैं उस वाले चैनल के ऊपर अपने बैकअप चैनल के ऊपर कंटिन्यू करूँगा अपनी सीरीज़। तो ज़रूर से उसको याद से सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिमन लोड रियोडो से कहता है तुमने गलत गैस किया है, जो चाकू है ना वो तुम्हारे पीठ के पास नहीं गर्दन पर टिका हुआ है। ये सुनने के बाद जो रियोडो है वो बोलता है हाँ। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम उसे नीचे रखने को कह सकते हो चाकू। रियोडो आगे बोलता है मैं एक सुंदर आदमी हूँ जिसमें चिकन को बांधने तक की भी पावर नहीं है, बहुत डरावना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं डिमन लोड अपने हाथ से इशारा करते हुए लोडस को थोड़ा दूर कर देता है उससे। यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो रियोडो से बोलता है ठीक है मैं तुमको एक आंसर दूंगा। और फिर वो बोलने लगता है असल में मुझे डेविल ने भेजा था। वो इतने बोलता है कि तभी जो रियोडो है ना वो वाइन का ग्लास उठाता है और डिमन लोड के चेहरे पे दे मारता है, मतलब कि उसकी वाइन फेंक देता है डिमन लोड के चेहरे पे। और ये देख के जो लोडस है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डिमन लोड रहता है ना उसके चेहरे का जो सिंग रहता है सिर पर जो सिंग रहता है वो अच्छे से नजर आने लगता है बयान पर वो वाइन पड़ने की वजह से। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लोडस रहती है वो रियोडो पर हमला करती है बट जो रियोडो रहता है ना वो खोने में बैठ जाता है और कहता है सिस्टर बेन प्लीज मुझे मत मारना। डिमन लोड लोडस से बोलता है रहने दो बेन उसे भूल जाओ। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं डिमन लोड रियोडो से कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ये जानते थे कि मेरा हॉर्न जो है वो मैजिक से छुपा हुआ है और क्या तुमने मुझे रंगीन शराब पिलाई। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो अब क्या कहता है अपनी आँख से वो हटा लेता है आई पैच और कहता है तुम सही हो मैं ही डेविल हूँ। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं रियोडो कहता है ये तुम्हें जल्दी कहना चाहिए था, मैंने इतनी अच्छी शराब बर्बाद कर दी। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो रियोडो है वो आगे बोलता है तुम्हारी जो बाई आँख है वो इंटरनल फ्लेम है ना। और फिर वो आगे बोलता है मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं एक सच में वेजिटेबल चिकन की तरह हूँ। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो सोचता है उसकी ये बात सुन के ये आदमी तो बहुत कुछ जानता है। फिर दिखाते हैं डिमन लोड उसे बोलता है अब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो अब तुम क्या करना चाहते हो। रियोडो डिमन लोड से बोलता है मैं तुमसे अपने दिल से कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्या तुम सिस्टर बेन को इस कन्वर्जेशन को अवॉइड करने को कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो लोडस है वो मना कर देती है और जो रियोडो है वो उसे बोलता है क्या तुमको अनुमति है ऐसा करने की। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं डेविल को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो सोचने लगता है इस आदमी के ओरिजिन अनोन है और सच कहूँ तो मुझे बेन की थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम अपनी प्रोडक्शन के लिए बेन को जबरन छोड़ देते हो तो ये बेन को शुभ बना देगा। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जो डिमन लोड है वो लोडस से कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो और जाओ जिस किसान को हमने आज बचाया था ना उसको जाके इन्वेस्टिगेट करो। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं
क्या तुम डेविल के प्रोटेक्शन के बारे में चिंता कर रही हो? ये सुनने के बाद जो लोडर से वो बोलती है सबोर्डिनेट के इतनी हिम्मत नहीं, और वो बोलती है ये सबोर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, और फिर ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियोडो है वो डेमन लॉर्ड से कहता है तुम्हारा सबोर्डिनेट होना आसान नहीं है भले ही तुम सबकॉन्शियसली रूप से नकली हो। और फिर वो आगे बोलता है मुझे तुम्हारे प्रति वफादार रहने के लिए खुद का ब्रेन वॉश करते रहना होगा। और उसके बाद सुनकर डेमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा? रियोडो कहता है चिंता मत करो सेबेस्टियन की रिंग उसके हाथ में है, मुझे अभी भी थोड़ी बहुत समझ है इसके बारे में, और डेविल बन के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इतने लंबे समय तक। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो रियोडो है वो आगे बोलता है सेबेस्टियन सच में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे जिस बात से सच की जिस मुझे जिस बात की सच में परवाह है वो ये है तुम इस दुनिया में आए और इतनी बड़ी पहचान हासिल करी, फिर उसके बाद जो तुम्हारा गोल है वो क्या है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया का सीन जहाँ पे जो अपना ओवरलोड है ना फेंक की बॉडी में उसको होश आ जाता है, और उसको देख के जो सिस्टर फूरे थे वो बोलती है क्या तुम जाग रहे हो, और फिर उसे गुड इवनिंग कहती है, और फिर जो अपना ये एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है।